देशभर में आज होलिका दहन का पर्व उत्साह और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। देशभर में होलिका दहन के दिन होली जलाकर होली की पूजा की परंपरा है। इसी के तहत वडोदरा के मांजलपुर में सबसे बड़ी होली आज भी पारंपरिक रूप से जलाई गई, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधि कल्पेश पटेल, चिराग झवेरी समेत के नेताओं ने भी पूजा अर्चना की। यहां इस मौके पर सबसे बड़ी होली में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सभी ने होली की प्रदक्षिणा करते हुए मंगल कामना की। वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों में सभी जगह होली का दहन कर आज पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है, जिसके चलते आज अलग अलग इलाकों में होली जलाकर सभी जगह होली का दहन किया जा रहा है। आज समग्र वडोदरा शहर के अंदर होलिका दहन का प्रोग्राम हो रहा है और वडोदरा शहर के अंदर मांजलपुर के अंदर सबसे बड़ी होली सालों से हो रही है और समग्र मांजलपुर में के अंदर सालों से एकता है और एकता से होलिका दहन ऐसे होते हैं। आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी होली यहाँ पे होली का सब दर्शन कर रहे हैं। अभी गाँव के पूरे लोग यहाँ पूजन करेंगे और आपके माध्यम से पूरे वडोदरा शहर की जनता को मैं होली का और धूलि जी का जे शुभेच्छा आपको देता हूँ। और जो अलग अलग कलर से जो धूलि जी का पर्व मनाएंगे लोग, तो सबकी लाइफ में ऐसे कलरफुल लाइफ हो और अंशुर जी के चरणों में प्रार्थना करें सुख शांति समृद्धि एवं आनंद और तबियत अपना वो सब प्रदान करें। होली का के दिन में आपको शुभेच्छा देता हूँ। વર્ષોની પરંપરામાં પ્રમાણે આજે વડોદરા શહેરની સૌથી મોટી હોળિકાનું દહન થઈ રહ્યું છે। કદાચ ગુજરાતની અંદર સૌથી મોટી હોળિકાનું દહન હશે। માજલપુર ખાતે આ એકતાનું પ્રતીક છે। વર્ષોથી જ્યારથી માજલપુરનું અસ્તિત્વ થયું છે ત્યારથી આખા ગામની એકતાના પ્રતીક રીતે આ એક જ હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે। આખા ગામમાં બીજી કોઈ હોળી પ્રગટાવવામાં આવતી નથી। તમે જોઈ શકો છો કે હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ખૂબ જ શ્રદ્ધા સાથે અને ભક્તિ સાથે આજે હોળિકા દહનનું પૂજન કરી રહ્યા છે અને આજે આ હોળી જે પ્રગટે છે અને એની જે ધજા છે એ કઈ દિશામાં જાય છે એના પરથી નક્કી થાય છે કે આવનારું વર્ષ કેવું જવાનું છે। મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે આવનારું વર્ષ સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લાવનારું બની રહેશે એવી માધવપુરના લોકોને પૂર્વક વિશ્વાસ છે। અને એટલે જ તમે આજે જોઈ શકો છો કે આજે વડોદરા શહેરની સૌથી મોટી હોળિકાનું દહન થઈ રહ્યું છે અને હજારોની સંખ્યાની અંદર શ્રદ્ધા અને ભાવ સાથે લોકો એનું પૂજન કરી રહ્યા છે।